सोने और चांदी की साड़ी का जादू। सूरजपुर गांव में अंजलि नाम की एक लड़की रहती थी। अंजलि जब बहुत छोटी थी तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद अंजलि अपने चाचा चाची के साथ उनके घर में रहती थी। वह दिखने में काली और बदसूरत थी। वहीं उसकी चाची की बेटी राशि दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसका चेहरा दूध सा सफेद था, जिस वजह से राशि को अपनी सुंदरता पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। वहीं अंजलि सांवली थी, उसके चेहरे पर काफी दाग धब्बे भी थे, जिस वजह से हर कोई अंजलि का मजाक उड़ाते रहता था। लेकिन अंजलि कभी भी किसी की बातों का बुरा नहीं मानती थी। अंजलि बहुत ही मेहनती लड़की थी। वह पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती थी, लेकिन फिर भी उस घर में अंजलि को तानों के सिवा कुछ नहीं मिलता था। अंजलि अपनी फूटी किस्मत पर रोकर फिर से अपने कामों में जुट जाती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन राशि की बहुत ही अच्छे परिवार में शादी तय हो गई। घर के सभी लोग शादी की तैयारियों में लगे हुए थे, लेकिन अंजलि घर के कामों में इतनी ज्यादा व्यस्त थी कि उसे कुछ खरीदने का टाइम ही नहीं मिलता है। फिर वो अपनी चाची के पास जाकर बोलती है, चाची जी, 2 दिन बाद ही राशि की शादी है और मेरे पास एक भी अच्छा कपड़ा नहीं है। आखिर राशि की शादी वाले दिन मैं क्या पहनूंगी? चाची जी, अगर आप बाजार जा रही हैं, तो कृपया मेरे लिए भी कोई सस्ती सी फ्रॉक ला दीजिएगा। अंजलि की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और उसकी चाची कहती है, क्या कहा, जरा फिर से कहना। मैं तुझ जैसी अनाथ और काली करोटी के लिए शॉपिंग करके लाऊंगी? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैंने तुझे अपने घर में रहने के लिए पनाह क्या दे दिया? तू तो खुद को इस घर की बेटी ही समझने लगी। काली बंदरिया, तूने अपनी शक्ल आईने में देखी है? तू सिर्फ इस घर की नौकरानी है, नौकरानी, समझी? मेरी तो सिर्फ एक ही बेटी है और वो है मेरी राशि बेटी। जरा उसकी तरफ देख, कितनी सुंदर है मेरी बेटी। वैसे अंजलि, बुरा ना मान तो तुझसे एक बात बोलूं, तू चाहे नई फ्रॉक पहन या पुरानी, लगनी तो वैसी ही है जैसी तू है, काली और बदसूरत। तू फ्रॉक पहनकर कोई सुंदर तो नहीं हो जाएगी? फिर फालतू में पैसे खर्च क्यों करवाना? क्यों माँ, मैं सही कह रही हूँ ना? अरे वाह मेरी बेटी, कितनी समझदार हो गई है। सुंदर के साथ साथ अकलमंदी में भी कोई कमी नहीं है मेरी बेटी में। और सुन काली बंदरिया, मेरी बेटी बिल्कुल सही कह रही है। अगर तुम्हें मेरी बेटी के शादी में शामिल होना है तो मेरी बेटी का कोई पुराना फ्रॉक पहन लेना। अब जाए यहाँ से, हम सबके लिए गर्मा गर्म चाय बना ला, साथ में पकौड़े भी बना लियो। अंजलि आज तक हमेशा से सबकी बातें चुपचाप सहती आ रही थी, लेकिन उसे आज इन सब बातों का बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो रोते हुए बोलती है, चाची जी, आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? आखिर मैं भी तो इंसान ही हूँ ना, और वैसे भी मेरे माँ बाबा के मर जाने के बाद आप ही अपने साथ मुझे लेकर यहाँ आई थी। मैं तो खुद से यहाँ नहीं आई थी ना, फिर आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? मैं आपके प्यार के लिए हमेशा से आपकी सारी बातें मानती हूँ, अकेले घर का सारा काम करती हूँ, लेकिन मैं समझ गई हूँ आप मुझे कभी प्यार नहीं करेंगी, चाहे मैं आपके लिए कितना भी कुछ क्यों ना कर दूँ। इतना बोलकर अंजलि वहाँ से चली जाती है। तभी राशि अपनी माँ से बोलती है, माँ, मैं आपसे पहले ही बोल रही हूँ, मेरी शादी में ये बदसूरत कहीं नजर नहीं आनी चाहिए। मेरे ससुराल वालों ने अगर इसे देख लिया फिर वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारी कितनी बेइज्जती होगी। वैसे भी आजकल इस काली की जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लग गई है, इसका जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो बेटी, ये सब अब तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम बस अपनी शादी पर ध्यान दो। उसके बाद अंजलि सबके लिए नाश्ता लेकर आती है। अगले दिन राशि अपने कुछ दोस्तों को घर पर बुलाती है। घर का सारा काम अंजलि ही देखती है, इसीलिए वह राशि के दोस्तों के लिए चाय और नाश्ता लेकर आती है। अंजलि को देखते ही राशि की दोस्त कहती है, अरे राशि, तूने अपने घर में ये कैसा नौकर रख रखा?
रखा है। छी, कितने गंदे दिख रही है ये। हाँ यार राशि, मैं तो इसके हाथ का बना चाय भी नहीं पीऊंगी, मुझे काले लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद हैं। यह सब सुनकर अंजलि कहती है, क्या काले लोग इंसान नहीं होते? उनके अंदर दिल नहीं होता? और हाँ, मैं इस घर की कोई नौकरानी नहीं हूँ, मैं राशि की चचेरी बहन हूँ। इतना बोलकर अंजलि वहाँ से चली जाती है। छी यार, ये इतनी बदसूरत और बदतमीज लड़की तुम्हारी चचेरी बहन है। I hate black people। पर तू तो कह रही थी कि ये इस घर की नौकरानी है। चल कोई बात नहीं, हमें लगता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए, बाय। इतना बोलकर राशि की दोनों दोस्त वहाँ से चली जाती है। यह सब देखकर राशि को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। दोस्तों के जाते ही वो जोर जोर से आवाज लगाकर अपनी माँ को बुलाती है। क्या हो गया बेटा, क्यों पूरे घर को सिर पर उठा रखा है? माँ अब बहुत हुआ, आज तो इस कलमुई ने सारी हदें ही पार कर दी। माँ आज इसने मेरे दोस्तों के सामने मेरी खूब बेइज्जती करवा दी। फिर राशि रोते हुए अपनी माँ को सारी बातें बताती है। यह सब सुनकर उसकी माँ को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह अंजलि की खूब पिटाई कर देती है। आज तेरी वजह से मेरी बेटी की आंखों में आंसू आए, ये मैं हरगिज नहीं देख सकती। तुझे किसने कहा था बाहर नाश्ता लेकर आने के लिए? तुझे एक बार में बात समझ में नहीं आती है कि हमने तुझे कितनी बार समझाया है कि अगर घर में कोई नया मेहमान आए तो तू बाहर नहीं आएगी, तू बस नाश्ता बनाकर रख देगी और कोई और उसे लेकर आ जाता। लेकिन नहीं, तुझे तो हमारी बेइज्जती करवाने में मजा आता है ना? राशि मेरी बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मैं अब से कभी तुम्हारे दोस्तों के सामने नहीं आऊंगी। माफी और तुझे। माँ अभी के अभी इस काली बंदरिया को घर से बाहर निकाल दीजिए, इसकी वजह से हर जगह हमारी बेइज्जती ही होती है। नहीं नहीं राशि, यह तुम क्या कह रही हो? आखिर मैं इस घर को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? मेरा आप लोगों के सिवा है ही कौन, मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज मुझे माफ कर दो। आप बोलेंगे तो मैं राशि की शादी में भी नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझे इस घर से मत निकालिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। मेरा इस घर के सिवा कोई ठिकाना नहीं है, प्लीज चाची जी। अंजलि अपनी चाची और बहन के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन वे लोग अंजलि का एक नहीं सुनते और उसे धक्के देकर घर से निकाल देते हैं। बेचारी अंजलि रोते रोते वहाँ से चली जाती है और दूर एक पेड़ के नीचे बैठकर खूब रोती है। माँ पिताजी, मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। अगर आप लोग मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जाते तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। अब मैं इतनी बदसूरत हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? हर कोई मेरा इतना मजाक उड़ाता है और मेरे साथ इतना गंदा सलूक करते हैं। आपने मुझे इतना बदसूरत क्यों जन्म दिया माँ? मैं अकेले यहाँ रहकर क्या करूँ? मैं भी आप लोगों के पास आना चाहती हूँ, मैं यहाँ अकेले रहकर क्या करूँगी? मैं मरना चाहती हूँ माँ, कम से कम मरने के बाद तो मेरी आत्मा को चैन आ जाएगा, फिर उसके बाद तो कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा ना, नहीं कोई मुझे काली बंदरिया कहकर चिढ़ाएगा। ऐसा बोलकर अंजलि रो ही रही थी तभी उसकी नजर दो साड़ी पर जाती है, जिसमें से एक साड़ी चांदी की तरह चमक रही थी तो दूसरी सोने की तरह। अंजलि उस साड़ी के पास जाती है। यह तो सोने और चांदी की साड़ी है, इस सुनसान जंगल में आखिर यह किसका हो सकता है? अंजलि इधर उधर देख ही रही थी कि तभी वहाँ एक परी प्रकट होती है। अंजलि, अगर ये साड़ी तुम्हें दिखाई दे रहा है तो जरूर यह साड़ी तुमसे कुछ कहना चाहती है। भला साड़ी मुझसे क्या कहना चाहती है? ये आप क्या कह रहे हैं परी जी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंजलि, तुम्हारे सामने एक जादुई सोने की साड़ी और दूसरी जादुई चांदी की साड़ी है। अगर तुम जादुई सोने की साड़ी को चुनती हो तो उससे तुम बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाओगी, और यह जादुई सोने की साड़ी तुम्हें बहुत ही ज्यादा धन दौलत देकर तुम्हें बहुत अमीर बना देगी।
अगर तुमने चांदी की साड़ी चुनी तो तुम्हारी शक्तियों से उस गांव के सभी लोग स्वस्थ हो जाएंगे जो बिना मौत के महामारी से मर रहे हैं। अब तुम बताओ, तुम सोने और चांदी की साड़ी में से कौन सा साड़ी चुनना चाहती हो? परी जी, मैं उन बेकसूर लोगों की मदद करना चाहती हूँ, इसलिए मैं इस जादुई चांदी की साड़ी को चुनती हूँ, ताकि मुझे मिलने वाली शक्तियों से उस गांव के लोग इस भयंकर महामारी से मुक्त हो सके। मुझे सुंदरता, धन दौलत, यह सब कुछ नहीं चाहिए। मेरी माँ हमेशा कहती थी, इंसान की असली सुंदरता उसके रंगों से नहीं बल्कि उनके अच्छे कर्मों से होता है। अंजलि का इतना सरल स्वभाव और इतना उदार भाव देखकर परी बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वह उसे जादुई चांदी की साड़ी दे देती है। जादुई चांदी की साड़ी पहनते ही अंजलि बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। खुद को इतना ज्यादा सुंदर देख के अंजलि चौंक जाती है। तभी परी अंजलि से कहती है, अंजलि मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी जिसमें तुम पूरी तरह से खरी उतरी। अब तुम इस जादुई साड़ी से जो भी चाहो मांग सकती हो। अंजलि परी का बहुत धन्यवाद करती है और जादुई साड़ी से अपने लिए खूब सारा धन दौलत मांगकर एक बहुत ही बड़े आलीशान घर में रहने लगती है। अब अंजलि के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो अब इतनी सुंदर हो चुकी थी कि हर कोई उसकी सुंदरता की तारीफ करते नहीं थकते थे। जल्दी ही उसने करण नाम के लड़के से शादी कर खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है। इधर जब अंजलि के बारे में उसकी चाची और उसकी बहन को पता चलता है तो वह दोनों उसका पता लगाने उसके घर जाते हैं और छुपकर सब पता लगा लेते हैं। अच्छा, तो ये सब इस जादुई साड़ी का कमाल है। मैं अभी इस जादुई साड़ी को ही चुरा लेती हूँ। और फिर दोनों माँ बेटी चुपके से अंजलि के घर में जाकर उसका जादुई चांदी की साड़ी चुरा लेती है और उसे लेकर अपने घर आ जाती है। अब देखना बेटी, मैं भी इस दुनिया की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। हे जादुई चांदी की साड़ी, हमें दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दे। तभी राशि और राशि की माँ बहुत ही ज्यादा काली और बदसूरत लड़की में बदल जाती है। मूर्ख औरत, ये जादुई चांदी की साड़ी है और यह मजबूर और नेक लोगों की ही मदद करती है, तुम जैसी लालचियों की नहीं। अब से तुम लोग हमेशा के लिए ऐसे ही बदसूरत रहोगी। जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे ना, फिर तुम्हें एहसास होगा कि किसी का मजाक उड़ाने से उस पर क्या गुजरती है और यही तुम्हारी सजा है। इतना बोलकर वह जादुई चांदी की साड़ी हवा में उड़ते हुए अंजलि के घर वापस आ जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हो ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।